सब तरफ से अलट पलट के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो हम अच्छी बात करेंगे वो ये कि कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि जो लोग किसी को नीचा दिखाते हैं असल में वो खुद गिरे हुए लोग होते हैं। तो इसलिए कभी किसी को नीचा ना दिखाएं। चल झूठा। फ्रेंड्स नाश्ता यहाँ रेडी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। कचौरियाँ है, आलू का रायता, छोलू का रायता है, हलवा है, यहाँ नाश्ता रेडी है हमारा। तो हम करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो अभी दोपहर के खाने में हम बनाने जा रहे हैं ये कलेजी। ये आधा किलो कलेजी है और इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। लहसुन, साबुत मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया और हरी मिर्च और नमक, इन चीज़ों को तो हम थोड़ा बारीक कूट लेंगे। कुटा हुआ होगा लेकिन बारीक कुटा हुआ होगा। इन सब चीज़ों को सिल पर हम बारीक कर लेंगे, मतलब थोड़ा मोटा ना थोड़ा ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा। इसको इस तरीके से हम पीस लेंगे तो, और इसको हम फिर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह। ये देखें, ये इस तरीके से, ना ये मोटा है और ना ये बारीक है। इसको इस तरीके से हम सिल पर पीस लेंगे। इसमें देखें, हरी मिर्च, लहसुन, साबुत मिर्च, तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं अलग अलग। इस तरीके से इसको पीस लेना। नमक भी मैंने इसमें हसबे ज़ायका जो है वो डाल दिया है, बाकी साबुत धनिया और ज़ीरा भी मैंने मसाले के साथ इसमें डाल के मैंने पीस लिया था। और इसको हम मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। क्या हल्का सा इसमें पानी भी डाल देंगे। कलेजी इसको आधा घंटा हो गया है रखे हुए, मैरिनेट हुए हुए। और इसमें ये मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के साथ साथ मैंने इसको इस तरह डाला। मिक्स कर दिया अच्छी तरह। और बस इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इसको गलने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। क्या कर रहे हैं आप सुने? मैं कलेजी का मसाला ज़्यादा दस ही करूँ। कलेजी में जायका डाल रहे। बस करें बस करें। तो फ्रेंड्स दोपहर का टाइम है तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और मार्केट से, क्योंकि मोस्टली संडे का दिन होता है, संडे के दिन मैं लाजमी मार्केट जाती हूँ शॉपिंग के लिए। तो देखते हैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ तो देखते हैं मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं क्या लेकर आती हूँ। दिखाएंगे वो भी हम आपको क्या क्या लाएंगे। A few inches later. तो अब हो गई है शाम और बनाते हैं शाम का खाना। और शाम के खाने में मैं बनाने जा रही हूँ करेले कीमा, कीमा भरे करेले। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनते हैं और कड़वाहट नाम की भी नहीं होती उसमें। इंसान का लहजा कड़वा तो हो सकता है लेकिन ये करेले कड़वे हर। अरे कहना क्या चाहते हो? चीज़ नहीं होंगे। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ कीमा, कीमा कीमा भरे करेले। तो ये मैंने प्याज फ्राई करके इसमें कीमा डाल दिया है और इसको मैं पानी जो है ना ये खुशक कर रही हूँ इसका। ये जो
थोड़ा मेल्ट हो जाए। वॉश हुआ हुआ कीमा है ये, टमाटर, हरी मिर्चें हैं, ये लहसुन, अदरक, नमक और कुटी हुई मिर्चें। कीमा जब पानी खुश्क हो जाएगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल घुल जाएगा ना ये, उसके बाद उसमें लहसुन अदरक डाल दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कीमा जो है बिल्कुल ड्राई हो गया, इसका ऑयल जो है ना ये अलग से नजर आ रहा है। देखें ये, देखें ये ऑयल है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये जो लहसुन अदरक कुटी मिर्च और हल्दी और नमक जो है ना ये मैंने डाल दिया है इसमें। मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, थोड़ा सा भूनना है इसको ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। तो मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया है, ये बहुत अच्छी तरीके से अब भून चुका है, इसमें से क्योंकि लहसुन अदरक की स्मेल नहीं आ रही है। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। और इसमें गरम मसाला भी मैं ऐड कर चुकी हूँ, इसको हल्की आँच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो टमाटर है ना वो गल जाए। ये आधा किलो के करीब करेले हैं और तकरीबन 3 पाव कीमा है। तो ये आधा किलो करेले हैं, इसको मैं छील लेती हूँ। ये करेले मैंने छील लिए हैं और इसको फिर मैंने बीच में से कट लगा के इसके अंदर से जो बीज होते हैं ना, गूदा होता है, वो निकाल के मैंने इसको साइड कर दिया, फेंक दिया। ये करेले हैं 4, मतलब तकरीबन आधा किलो करेले हैं। अब मैं इनको बॉयल करूँगी। ये मैंने करेले बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए हैं अच्छी तरह वॉश करके। अब ये बॉयल हो जाए ज़रा, फिर देखते हैं क्या करना है। ये हैं करेले जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, इतना बॉयल कर लें कि अच्छी तरह गल जाए, उसका पानी अच्छी तरीके से निकाल लें बॉयल करने के बाद। और ये है कीमा, इस कीमे को मैं इसमें फिल करूँगी। ये देखें, ये मैंने कीमा जो है उसको मैं भर लिया है फिल करके, उसको मैंने धागा लपेट दिया ताकि खुले नहीं। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये देखें, इसको इस तरह गोल्डन फ्राई कर लेना है सब तरफ से अलट पलट के। ये देखें, ये कीमा और करेले जो है बिल्कुल रेडी है। और ये जो ये ऑयल बचा है ना, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि मैंने जब कीमा भुना था तो उसके अंदर मैंने ऑयल बहुत कम डाला था। ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया ताकि इसमें भी रोगन बन जाए। इसमें रोगन नहीं डाला था, बहुत कम डाला था, मैंने सिर्फ प्याज लाइट से ऑयल में फ्राई की थी और ये ऑयल फिर मैंने इसमें डाल दिया ताकि इसका रोगन जो है बैलेंस में आ जाए। A few moments later. तो फ्रेंड, यहाँ चल रही है पार्टी की डिस्कशन और यहाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिसाइड किया जा रहा है कि हम पार्टी करने कहाँ जाएंगे, बताएं किधर जाना है। हाईवे पे जाएंगे। हाईवे पे कौन सा रेस्टोरेंट? खान रेस्टोरेंट। कहाँ जाना है? KFC, कबाब चीज बताओ। किस में जाते हैं? होटल। कोई भी एक, देखो डिसाइड हो रहा है, देखें कौन सा रेस्टोरेंट जाते हैं। पार्टी कहाँ, जहाँ देंगे ये वहीं हम जाएंगे। पार्टी इनकी तरफ से होगी और गिफ्ट हमारी तरफ से होगा।
माय गॉड, वाओ, बड़ा वाला, ठीक है, सही है। तो अभी पार्टी की डिस्कशन चल रही है, देखते हैं अभी हम कहाँ डिसाइड करते हैं, केएफसी, मैकडॉनल्ड, कबाबदीज या जो भी होगा, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग पार्टी करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ डिसाइड हुआ है कि कबाबदीज जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अरीब की ये जिद है कि अरीब कह रहा है कि मुझे केएफसी जाना। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। हानिया कह रही है कि केएफसी नहीं जाना है, कबाबदीज जाना है। बानिया कह रही है कि कबाबदीज जाना है। और मेरा और मेरे हस्बैंड का तो ये कि जहाँ बच्चे बोलेंगे हम वहीं पर चले जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज।